एसटीएफ उत्तर प्रदेश को देश विरोधी अपराधी षड्यंत्र के तहत संगठन बनाकर भारत की एकता व अखंडता, देश के प्रदेशों के सरकार के विरुद्ध आपराधिक बल के प्रदर्शन से आतंकित करने एवं सामाजिक विद्वेष फैलाने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न राज्यों में अपने सदस्य बनाकर उन्हें शारीरिक एवं अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण देने वाले पीएफआई के ट्रेनिंग कमांडर मोहम्मद राशिद को बस्ती जनपद से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त मोहम्मद राशिद पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद अली निवासी अतरी थाना शोहरतगंज जनपद सिद्धार्थनगर का रहने वाला है। इसके पास से एसटीएफ ने एक कूट रचित आधार कार्ड, एक मूल आधार कार्ड, एक सीडी, एक पैन कार्ड, एक मुंबई का बस पास कार्ड नगद 790 रुपये, रेलवे का स्मार्ट कार्ड, एक ICICI का बैंक का डेबिट कार्ड, दो बंडल देश विरोधी गतिविधियों से संबंधित अभिलेख, एक बंडल ग्रेडिंग रिजल्ट, प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवकों का उर्दू हिंदी में लिखे विभिन्न अभिलेख और एक पिट्ठू बैग बरामद हुआ है। गौरतलब है कि यूपी एसटीएफ ने मोहम्मद राशिद को बस्ती जनपद के थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मूड घाट चौराहे के पास से 14 मार्च को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि कुछ दिनों से एसटीएफ को यह सूचना प्राप्त हो रही थी कि पीएफआई संगठन के कुछ सदस्य अपराधीकरण के तहत आतंकवादी गिरोह बनाकर निकट भविष्य में देश की एकता और अखंडता को चुनौती देने के फिराक में है। एसटीएफ की टीम द्वारा तकनीकी विशेषताओं के जनपदों में मुखबिर सक्रिय किए गए थे, जिसके तहत 14 मार्च को एसटीएफ फील्ड इकाई गोरखपुर व एसटीएफ मुख्यालय लखनऊ की संयुक्त टीम द्वारा ट्रेनिंग कमांडर मोहम्मद राशिद को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त मोहम्मद राशिद के विरुद्ध थाना कोतवाली बस्ती जनपद में अभियोग पंजीकृत कराया गया है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई हेतु स्थानीय थाने को निर्देशित किया गया। Thank you.